सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पहला मरहला खूबसूरत मनपसंद कुर्बानी का जानवर खरीदने का होता है, जबकि दूसरा मरहला इन जानवर को खूबसूरत अंदाज से सजाने का, जिसके लिए घर के सभी अफराद की फरमाइशों को अबली जामा पहनाते हुए कुर्बानी के जानवर को खूबसूरत दिलकश रंग बिरंगी मालाएं, झूमर, गजरे और छमछम करती झांझने पहनाई जाती है। और यूँ कुर्बानी के जानवरों में मुकाबला हुसन का मंजर बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और नौजवानों में खासा दीदनी होता है, जिससे सभी लुत्फानंदोज होते हैं और खुशी से निहाल इन लम्हात से खूब महजूज भी होते हैं। उनकी यही फरमाइश होती है कि पापा ये झांझरे लेनी है या हार वगैरह, बहुत शोरगुल डालते हैं या रोला वगैरह डालते हैं, ये लेना है, वो लेना है, ये लेना है, वो वाले साहब के फिर मजबूरी बन जाती है कि बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी होती है। मंडी मवेशियों में पहले शहरी जानवर खरीदते हैं और उसके बाद बच्चों की फरमाइश को पूरा करने के लिए इन जानवरों को मालाएं, झांझरें पहनाई जाती हैं और इस बार महंगाई की वजह से इतनी रौनक नहीं है। जी ये घर ला के जाएंगे, इसमें सजा रहे हैं, घर ला के जाएंगे, बच्चे खुश हो बन गए, अल्लाह पाक दराते लगेगा जी। मंडी मवेशियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने आए शहरी कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर की खूबसूरती के लिए बच्चों की फरमाइश बुनियादी अहमियत की हामिल है, जिसे हर सूरत पूरा किया जाता है। मालाएं, झांझरे, झूमर, गजरे सुन्नत इब्राहिमी के लिए खरीदे गए जानवरों की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। कैमरा टीम के हमरा आमिर सदीक, न्यूज़ चनियोट।